यानी गए साल जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती के मौके पर जो हुई उसकी मैं कारगुजारी सुनाता हूँ आपको। जो गए साल लास्ट ईयर में बोलते हैं ना, 2018 के अंदर नवंबर के महीने में हज़रत टीपू सुल्तान जयंती की मनाने के लिए जो दो संगठनों के बीच जो हुआ गुफ्तगू, उसके बारे में मैं आप चंद मिनटों के अंदर मैं कारगुजारी सुनाता हूँ। भाई बोलना मकसद नहीं है, किसी का ऐब करना भी मकसद नहीं है मेरा। हालांकि रबकवि बनहट्टी शहरों के अंदर जो मुसलमान की जो दिलों के अंदर जो मोहब्बत गिरी है, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर कितना मोहब्बत रखता है, एक संगठन है दूसरा संगठन लाने के बाद जो पहले संगठन वाले जो क्या क्या टॉर्चर करते हैं, मैं आपके सामने ये कारगुजारी रखना चाहता हूँ 2018 की टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अली की जयंती के मौके पर दो संगठनों के बीच, हजरत के नाम लेवा दो संगठन, हमारी जो संगठन है टीपू सुल्तान संघर्ष समिति और एक संगठन है टीपू नाम लेवा। तो उन्होंने जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अली की हर साल जयंती मनाते आते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा करते रहते हैं, तो भी इस साल जो मेरी जो संगठन है, मेरी मतलब हमारी जो और एक नया संगठन लाया हूँ मैं, टीपू सुल्तान संघर्ष समिति यानी TSS करके, उन्होंने बुलाकर मुझसे मस्जिद फारूकिया रामपुर के अंदर बुलाकर वहाँ जो मशवरा किया, वहाँ जो उलमा हजरत भी थे, रबकवि बनहट्टी रामपुर हसूर के नौजवान और जाने माने अच्छे पॉलिटिकल लीडर भी थे हमारे ईमान वाले भाई, सुनिए मेरे से और उनसे क्या गुफ्तगू हुई। उनके अंदर से एक शख्सियत, हालांकि रामपुर के अंदर उनका नाम बहुत अच्छा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझसे पूछा, देखो महबूब भाई मेरा नाम है, मुझसे वो पूछा तो एक संगठन थी पहले हमारी रबकवि बनहट्टी के अंदर, तो दूसरी संगठन लाने का मकसद क्या है, कई के लाए तुम्हें हमारे हत्ती, तो एक संगठन भी कई तुम्हें लाए, गागड़ी भाषा के अंदर मैं समझा रहा हूँ आपको, मुझे तो प्योर उर्दू भी नहीं आती, मैं मेरी कन्नड़ा मीडियम, मैं भी डिग्री होल्डर हूँ। तो उन्होंने पूछा, तो पहले से एक संगठन रबकवि बनहट्टी के अंदर है, तो दूसरी संगठन लाने का क्या मकसद है, कई लाए। अच्छी बात है, ठीक है भाई आपने पूछ दिया, तो उसका जवाब तो मैं देना पड़ेगा ना, सुनिए उस जवाब में क्या दिया। देखो भाई, आप जो तो संगठन है आपकी, सिर्फ टीपू हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो जयंती आ जाती है नवंबर के 11 तारीख के दिन, उससे पहले आप अक्टूबर 11 तारीख को मशवरा करने के लिए सब हजरत रामपुर रबकई हसूर बनहट्टी के नौजवान साथी, हालांकि बड़े बड़े अंजुमन के लीडर्स वगैरह तो आप जुड़ जाते हैं, तो सिर्फ मशवरा ये करते हैं कि टीपू जयंती कैसे मनवाए, कैसे मनाए। तो आपकी जो संगठन है सिर्फ टीपू जयंती करने की संगठन है भाई, तो आप जो अक्टूबर में नया अध्यक्ष को चुनते हैं, तो नवंबर 10-11 तारीख को जयंती धूमधाम से करते हैं, रबकवि बनहट्टी रामपुर वस्त्र मिला के माशाल्लाह बहुत से लोग जमा होते हैं, तो एक यूनिटी दिखाते हैं, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, अच्छा काम करते हैं, ठीक अच्छी बात है। तो उसके बाद तुम मर्ज हो जाते हो, यानी कि नवंबर 11 तारीख को जयंती करते हो और 12-13 तारीख के बाद आप मर्ज हो जाते हो, यानी ये संगठन आपकी जो संगठन है वो संगठन सिर्फ एक साल की मर्तबा जयंती मनाने के तौर पर है, इसीलिए मैंने सोच दिया कि मैंने भी एक संगठन ला कर, हजरत के नाम लेवा संगठन ला कर इस शहर के अंदर, रबकवि बनहट्टी रामपुर वसूर के अंदर शहर के अंदर एक संगठन ला कर
ये संगठन लाने का मकसद मेरा जो सोशल वर्क करना यानी सामाजिक काम करना, यानी हमारी उम्मत हमारी कौम की भलाई के लिए जो भी हमारे हाथ से जो निकलता वो करने के लिए मैं संगठन रब कई भनटी को लाया। ये मैंने जवाब दिया, उस आदमी ने पूछा था मुझको, मैं उनको जवाब दिया, ठीक है आपने क्या समाज सेवा किया, कितने दिन वहाँ लाकर संगठन आप? तो मैंने उस वक्त जो संगठन लाकर 6 से 7 महीने हुआ था, मैंने TSS नाम का एक संगठन है, टीपू सुल्तान संघर्ष समिति, इसका शॉर्ट कोड जो है TSS। मैंने उस आदमियों को बीच एक शख्स पूछ रहा था मुझसे सवाल, मैंने उसको जवाब दिया, तो 6 महीने हो गए कि 7 महीने हो गए, तो मैंने उसके अंदर जो 2 काम किए, क्या किए? वो आदमी ने पूछा क्या किए तुम्हें, तो मैंने उस सवाल के अंदर एक जवाब दिया, मैंने जो पिछले जो BJP सरकार के विरुद्ध जो पेट्रोल और जो दाम बढ़े थे, उस कांग्रेस वालों ने जो प्रोटेस्ट किया था रब कभी वनट्टी के अंदर, उस प्रोटेस्ट के अंदर हमारी संगठन भी साथ दिए। ये छोटा काम है फिर भी मैं बताया हमारी संगठन तो क्या कर रही है, एक्टिविटीज़ बताना चाहिए ना, तो मैंने बता दिया। और क्या कर रहे हैं देखो भाई, कोडागू और केरला के अंदर उस वक्त लास्ट ईयर गए साल जो पानी आकर वहाँ जो बाढ़ आई थी वहाँ तो बहुत नुकसान हो गया था, उस नुकसान की वजह से मैंने रबकवी रामपुर वसूर बनट्टी के अंदर हमारी जो TSS संगठन हमारी टीम जो है हमारे नौजवान साथी जो चारों गांव के अंदर जो चारों ईदगाहों के अंदर 5 ईदगाह के अंदर जाकर, तो बनट्टी के अंदर 2 ईदगाह, रामपुर में 1 ईदगाह और वसूर में 1 ईदगाह, यानी 4-5 ईदगाह के अंदर जाकर जो है मैंने चंदा इकट्ठा कर दिया, कोई तकरीबन 44,000 यानी 44,000 रुपीज़ मैंने कोडागू और जो केरला में जो पानी का बाढ़ आकर जो नुकसान में थे वहाँ जो परेशान हाल में थे वो लोगों के लिए मैंने एक चंदा इकट्ठा किया, तो वो अकाउंट पर मैंने भेज दिया। वो एक काम किया, और एक काम मैं बोल दिया, ये 2 काम हो गए। और एक काम जो है बनहट्टी अंजुमन के कॉम्प्लेक्स के पीछे जो गरीबों के लिए आँखों का मुफ्त जो फ्री चेकअप बोलते हैं ना, आँखों का फ्री चेकअप कैंप भी लगा दिए थे हम PSSF वाले, माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमने, छंद लोगों को जो कम रेट के अंदर आँखों का ऑपरेशन भी कर दिए सांगली वालों ने, आई थी टीम इधर बनट्टी को, तो उसके दौरान भी हम आँखों का चेकअप भी करने का एक प्रोग्राम भी किया। ये सिर्फ 6 महीने के अंदर जो संगठन हमारे आकर तो 3 काम कर दिए हम, इतना बोल दिया। तो वहाँ के साथी जो ठीक है ये जो कह रहे थे सच है, मैंने 6 महीने या 7 महीने के अंदर जो संगठन लाकर रबकवी बनहट्टी के अंदर जो सोशल एक्टिविटीज़ शुरू की, तो हमारी TSS संगठन जो काम कर रही थी जो सोशल वर्क काम कर रही थी, हमना खुद का पर्सनली बेनिफिट नहीं था, हमारे किस्सों के अंदर के पैसे लगाकर और भी चंद लोगों के पैसे लेकर वो इतना काम किया। तो आपकी संगठन क्या करी इसके वास्ते मैंने संगठन लाया सर, ठीक है अच्छी बात है मान लिए बेचारे, उसके बावजूद भी तो और भी इसके आगे अब टीपू सुल्तान की जयंती आने वाली है अगले महीना, क्या करना बोले तो आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह, मैंने बोल दिया नहीं तो सब मिल के करेंगे, ठीक है अच्छी बात है एक होकर करना ये बहुत अच्छी बात है, तो मैंने नहीं मान लिया, तो ठीक है दोनों मिलकर करेंगे। तो बात गुप्तगु शुरू हो गई कैसा करेंगे कब करेंगे किस दिन करेंगे, तो शुरू हो गई। उलमा हजरत भी मौजूद थे उधर फारुकिया मस्जिद रामपुर की कारगुजारी जो लास्ट ईयर में टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर जो गुप्तगु हुई 2 संगठनों के बीच, मैं आपको सुना रहा हूँ। तो बोलने लगे वो कैसा करेंगे, ठीक है कर दो बोले, तो देखो संगठन आप पहले से कर रहे हैं माशाल्लाह 3-4 साल से कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने अब 6 महीने हो गया, तो दोनों संगठनों के नाम पहले आपका ऊपर आना चाहिए उसके बाद में हमारा आना चाहिए,
तो वो मानने को तैयार नहीं थे। उन संगठना वाले बोल रहे हैं, बेचारे ठीक है अच्छी बात है ये बात कर दो, मानने को तैयार नहीं थे। संगठन पहले नंबर आपका डालो, टीपू सुल्तान युवा वेदी के है उसके नीचे टीपू सुल्तान संघर्ष समिति। मैं कैसा बोल दिया सुनो, दो मिनट का चार मिनट का वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, ये पूरी कारगुजारी सुनिए आप लोगों को भी ये पता चले कि ये रबकवि बनहट्टी के अंदर जिस तरह लोग हैं। मैंने भी क्या ऊपर से उतरा नहीं हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, उनकी भी गलती हो सकती है। जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से, दो चार मिनट का वीडियो ज़्यादा भी हो सकता है। आप ऐसे वैसे वीडियो 10-15 मिनट 20 मिनट देखते रहते हैं, एक कारगुजारी भी आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये सुनना बहुत ज़रूरी है आपको, माफ़ करना। तो बोल दिया एक बैनर तो तैयार करना पड़ेगा, तो बगैर बैनर का फंक्शन तो होता नहीं, तो उसके स्पॉन्सर कौन, करने वाले कौन हैं वो प्रोग्राम, उसके स्पॉन्सर कौन हैं करने वाले कौन हैं, तो बैनर चाहिए ना एक। तो मैंने बोल दिया था कि टीपू सुल्तान वेदी के पहले नंबर पर डालो, उसके बाद में हागो और टीपू सुल्तान संघर्ष समिति रबकवि बनहट्टी, इनके सहयोग में हजरत टीपू सुल्तान की जयंत्योत्सव ऐसा बैनर प्रिंट करो साहब, कन्नड़ में करो या इंग्लिश में करो। वो कैसे हो सकता है भाई, जो सामने संगठन वाले जो बोल रहे हैं उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता, तो बोल रहे हैं हमें तुम्हारा नाम नहीं डालते, तुम्हारा कैसे डालने का नाम, हमें करते हैं हमारा नाम डालने वाले। देखो जी इसके अंदर किसकी गलती है या मेरी गलती रही थी मुझको बोल दो, हालांकि मेरा फ़ोन नंबर मैं लास्ट एंडिंग वीडियो के अंदर मैं मेरा नंबर देता हूँ आपको, मैं उसको फ़ोन कर भी बता सकते हैं भाई महबूब आपकी भी गलती है, ठीक है मैं आपकी गलती मेरी गलती आप बताएंगे इंशाल्लाह मैं मान लूँगा, लेकिन कारगुजारी तो सुनिए। मैं आपका नंबर कैसे हमें आपका नाम नहीं डाल सकते, आपका तुम्हारे संगठन का नाम नहीं डाल सकते, हम पहले से 3-4 साल से करते आ रहे हैं हमारा नाम डालेंगे, वो कैसा हो सकता है। नहीं डाले तो ठीक है तुम्हारा तुम्हें कर लो, हमारा हमें कर लेकर बोल, हमारे संगठन के नौजवान साथियाँ थे हमें उठ कर आ गए। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन का मसला देखो, हमें अपने आप हिसाब से हम काम करने लगे, हमारा जो तैयारी शुरू हुई है जो संगठन की तरफ से हमारी TSS की तरफ से जो जयंती कहाँ करना कैसे करना, तो उन्होंने सोचा और एक बार देखो, उन्होंने तो अलग मना रहे हैं पहले से हमें, अब कई बनट्टी रामपुर वसूर से 4 गांव से मिलकर हमें टिस्कू की जयंती मना रहे थे अभी, और अब बनट्टी वाले अलग मनाएगा तो अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने क्या जहन में बात डाल दी है ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने एक ही बोल रहा हूँ, एक फूल की हार की वजह से स्टेज पर 200-300 की कुर्सी रखे रहते हैं, वो कुर्सी बैठ को फूल डालने को फोटो काटने की वजह से इतनी बड़ी बात ले गए भाई, वाह अल्लाह माफ़ करे ये लोगों को। देखो भाई सिर्फ 2-5 रुपये या 20 रुपये का हार गले में डालने का और वो 70-80 रुपये का एक क्या बोलते हैं उसको शाल डाल लेने का, और स्टेज पर कोई आदमी अनाउंस करता है, कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी आकर जो उसको हार डालता है वगैरह, आप स्टेज पर प्रोग्राम देखते रहते हैं माशाल्लाह, उसकी वजह से कहाँ तक पहुँचे, हद तक पहुँचे हमारे मुसलमान भाई, देखिए सुनिए आगे। तो उन्होंने क्या चाल कर दिया, देखो चाल ऐसा चाल चलाया हमें सोच भी नहीं सकते थे उस हद पर, हम खुद मैं भी नहीं जा सकता था। तो उन्होंने दूसरे दिन सुबह 8-9 बजे फ़ोन करके SRA हाईस्कूल के सामने आ जाओ, टीपू की जयंती है और एक बार मशवरा करेंगे क्या है तुम्हारा देख ले को। तो ठीक है हम तो 7-8 जने हमारे भी ग्रुप के लोग गए उधर SRA हाईस्कूल के सामने ठहरे, शुरुआत में बात हो गई तो कहने लगे देखो भाई सब मिलके मनाएंगे, ठीक है अच्छी बात है हमने एक माना है, लेकिन नहीं तुम्हें अलग मनाते हैं कर बोल हम ना न्यूज़ आइया, ठीक है हमें अलग मनाने वाले, तुम्हें क्या मान रहे थे तुम नाम डालो ये डालो कौन कहीं तुम्हें भी तुम्हारे पीछे पिट लगो, हम क्या कर रहे हैं हमें सेपरेट कर लेते हैं, हमारे भी एक संगठन है ऑलरेडी स्टेट लेवल NGO संगठन है, स्टेट लेवल संगठन है हमारी, हमें अलग कर लेते हैं भी तुम्हें अलग कर ले तो हमें भी हमारा मरकज़ अलग कर लेते हैं। सुने क्या जी बात को ध्यान दो ज़रा, तुम्हें टीपू सुल्तान की जयंती अलग कर लेगा तो हमें भी हमारा मरकज़ अलग कर लेते हैं,
देखो कौन से हद तक पहुंच सकते हैं इंसान। मरकज को टीपू सुल्तान की जयंती को क्या संबंध जी है? हमना टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अली की जयंती हमना करना नहीं है, लेकिन आज के दौर पर हमारी यूनिटी, हमारी वक्कट, हमारी एकता के बारे में दिखाने के लिए ये सिर्फ कर रहे हैं। हमें जयंती वगैरह करने को तैयार नहीं थे ये लोग। तुम बनट्टी वाले